हेलो फ्रेंड्स, टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द एनाटॉमी ऑफ लंग्स। फर्स्टली वी डिस्कस द इंट्रोडक्शन। सो लंग्स और पल्मोन्स की क्या है? जो लंग्स हैं और पल्मोन्स हैं, दोनों सिनोनिम्स हैं एक दूसरे के। और जो लंग्स हैं हमारे, उनको हम फेफड़े या फुफ्फुस भी बोलते हैं, जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक मेजर प्रिंसिपल ऑर्गन है, ठीक है, जो कि हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करता है। इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन की जो प्रोसेस होती है, उसमें जो लंग्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देन यदि हम इसके फंक्शंस की बात करें, तो फर्स्ट ब्रीदिंग, सेकेंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थर्ड मेंटेन एसिड बेस बैलेंस, एंड फोर्थ इज एक्सक्रीशन। तो ब्रीदिंग, जैसा कि मैंने बताया कि ये इन्हेलेशन एंड एक्सहेलेशन, जो O2 है उसका इन्हेलेशन करते हैं, एक्सहेलेशन CO2 का हम एक्सहेल करते हैं, तो वो लंग्स के थ्रू होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो भी लंग्स के थ्रू होता है, जो रेस्पिरेशन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, दैट इज़ एल्वियोलाई, वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखने को मिलता है। एसिड और बेस का बैलेंस भी करता है ये, एंड एक्सक्रीशन CO2 का हमारे शरीर से एक्सक्रीट करने का काम करता है। यदि हम इसका लोकेशन देखें, तो ये लाई करता है थोरसिक कैविटी में, जो आपकी बक्ष गुहा है उसमें ये वन पेयर में मौजूद होता है, और बिटवीन द टू लंग्स द हार्ट इज सिचुएटेड, यानी कि दोनों लंग्स के बीच में हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है, मिडल मीडियास्टेनम में। मीडियास्टेनम क्या है? एक सेल्फ में एक स्ट्रक्चर है, एक स्पेस है, जो कि थोरसिक कैविटी में पाया जाता है, जिसके द्वारा जो लंग्स हैं वो सेपरेटेड रहते हैं। देन यदि हम इसके टेक्सचर की बात करें, तो ये स्पॉन्जी होता है दिखने में। कलर यदि हम इसकी बात करें, तो कलर जो है बच्चों में ये पिंक कलर में देखा जाता है, यंग एज में ब्राउन टू एज ग्रे कलर में। ग्रेजुअली जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है व्यक्ति की, इसका जो कलर है उसमें वेरिएशंस देखने को मिलता है, वो मॉटल्ड ब्लैक होता जाता है, यानी कि पिंक से ग्रे, ग्रे से वो मॉटल्ड ब्लैक की तरफ चला जाता है, ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ दी कार्बन पार्टिकल्स। क्योंकि हम पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में जो हम रह रहे होते हैं, मतलब हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें जो पॉल्यूटेड गैसेस हैं, वहाँ पर एयर के साथ साथ बहुत सारे अनवांटेड एयर पार्टिकल्स रहते हैं, जिसमें कार्बन पार्टिकल्स रहते हैं, डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं, जो कि धीरे धीरे हमारे लंग्स में इन्हेलेशन की प्रोसेस में हम उन्हें इन्हेल करते हैं, और वो जाकर हमारे लंग्स में एक्यूमुलेट होने लगते हैं, जिसके कारण उसका जो कलर है वो मॉटल ब्लैक की तरफ चला जाता है। वेट यदि हम देखें, तो राइट लंग जो है वो 625 ग्राम का है, हैवियर होता है ये लेफ्ट लंग के कंपैरिजन में, 575 ग्राम का हमारा लेफ्ट लंग होता है। अब यदि हम इसके स्ट्रक्चर्स की बात करें या इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात करें, तो सबसे पहले हमें इसमें एपेक्स दिखाई देता है, एपेक्स, बेस, बॉर्डर्स, सरफेसेस, फिशर्स, लोब एंड रूट्स। तो अपेक्स, वन बेस, टू सरफेसेस, थ्री बॉर्डर्स, फिशर्स, टू फॉर राइट लंग एंड वन फॉर लेफ्ट लंग, लोब्स, थ्री फॉर राइट लंग एंड टू फॉर लेफ्ट लंग। देन यदि हम इसके अपेक्स की बात करें, तो डेट इज़ द अपेक्स ऑफ लंग, जो कि कहाँ तक जाता है, क्लैविकल से अबव, 2.5 सेंटीमीटर अबव टू द क्लैविकल, क्लैविकल बोन से ये ऊपर रहता है, और कैसा होता है, कॉन्वेक्स होता है स्ट्रक्चर में, ब्लंट एंड राउंडेड शेप में रहता है, एंड डेट इज़
बेस ऑफ द लंग्स, जो कि किस पर रेस्ट करता है, जो डायाफ्राम होता है, डोम शेप डायाफ्राम। डायाफ्राम इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर बिटवीन द थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी। तो जो इसका इंफीरियर सरफेस या डायफ्रैगमेटिक सरफेस भी बोल सकते हैं ऐसे हम, क्योंकि ये डायफ्राम के ऊपर लाई करता है या रेस्ट करता है। देन यदि हम इसके बॉर्डर्स की बात करें तो डेट इज द एंटीरियर बॉर्डर एंड डेट इज द पोस्टीरियर बॉर्डर एंड डेट इज इंफीरियर बॉर्डर। तो एंटीरियर बॉर्डर जो होगा वो शार्पेस्ट होगा, पोस्टीरियर बॉर्डर कैसा होगा तो इल डिफाइंड होगा, थिकेस्ट होगा, थिकर होगा, और जो एंटीरियर बॉर्डर है वो थिनर होगा। सेम सिमिलरली इंफीरियर बॉर्डर थिनर होगा, शार्प होगा। एंड यदि हम इसके सर्फेसिस की बात करें तो इसमें दो सर्फेसिस हैं, फर्स्ट इज कॉस्टल सर्फेस एंड सेकेंड इज मीडियल सर्फेस। तो जो मीडियल सर्फेस है डेट इज ये होल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है पूरा, ये मीडियल सरफेस है पूरा। मीडियल सरफेस में भी दो सरफेसेस आएंगी, वो सरफेस जो कि वर्टिबल कॉलम से कनेक्टेड रहेगी। तो मीडियल सरफेस की वो सरफेस जो कि वर्टिबल कॉलम से कनेक्शन में रहेगी, दैट इज पोस्टीरियर बॉर्डर के पास वाली जो सरफेस होगी दैट इज वर्टिबल सरफेस। एंड जो मीडियल स्टेनम के कांटेक्ट में रहेगी, ये पूरी जो सरफेस है ये मीडियल स्टेनम के कांटेक्ट में रहेगी, तो डेट इज मीडियल स्टेनल सरफेस। तो मीडियल सरफेस के दो पार्ट किए हमने, वर्टिबल सरफेस जो कि वर्टिब्री के कांटेक्ट में रहेगी, पोस्टीरियरली होगी, और जो मीडियल स्टेनल सरफेस है वो मीडियल स्टेनम के कांटेक्ट में रहेगी। देन उसके बाद यदि हम बात करें तो हमने अपेक्स देखा, बेस देखा जो कि डायफ्राम पर रेस्ट कर रहा है, हमने सरफेसेस देखी, देन बॉर्डर्स देखे कि एंटीरियरली जो है बॉर्डर शार्पेस्ट है, पोस्टीरियर बॉर्डर कैसा होगा, तो पोस्टीरियर बॉर्डर हमारा थिकर होगा, इरेगुलर होगा। देन हमने दो सरफेसेस देखी, कॉस्टल सरफेस एंड मिडिल सरफेस। तो ये जो पूरा सरफेस आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा सरफेस दैट इज मीडियल सरफेस, एंड दिस वन इज, ये जो सरफेस है पूरा ये कॉस्टल सरफेस है जो सामने चेस्ट वॉल के कांटेक्ट में रहेगा या कॉस्टल हमारी रिब्स के कांटेक्ट में रहेगा, दैट इज कॉस्टल सरफेस। अब एक स्ट्रक्चर और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जो कि लेफ्ट लंग में दिखाई देगा हमें, हम इस इमेज को देखें तो इस इमेज में हमें एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ये हमको अभी पता चला कि ये एंटीरियर बॉर्डर है, डेट इज़ पोस्टीरियर बॉर्डर एंड डेट इज़ इंफीरियर बॉर्डर, और जो बेस होगा वो किस पर, डेट इज़ डायाफ्राम। एंटीरियर बॉर्डर, डेट इज़ पोस्टीरियर बॉर्डर एंड डेट इज़ डायाफ्राम। तो जो एंटीरियर बॉर्डर है, लेफ्ट लंग का एंटीरियर बॉर्डर है, यहाँ पर एक नॉच प्रेजेंट होता है जिसे कि हम कार्डियक नॉच कहते हैं, और कार्डियक नॉच जो है किसके लिए होता है, तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड में होता है, उसका मोर ऑफ द पार्ट। तो हम सभी जानते हैं कि हार्ट का जो मोर ऑफ द पार्ट है वो लेफ्ट साइड में लाई करता है। तो जो ये लेफ्ट लंग में जो आपका एंटीरियर बॉर्डर होता है उसमें एक नॉच होता है, एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कार्डियक नॉच कहते हैं, और वहाँ पर आपका हार्ट आकर लाई करता है। कार्डिया मीन्स हार्ट, तो हार्ट आपका वहाँ पर लाई करता है। देन उसके बाद यदि हम कार्डियक नॉच के बाद यदि हम लेफ्ट लंग में ही एंटीरियर बॉर्डर पर ही यदि हम दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो है आपका, ये लेफ्ट लंग का एंटीरियर बॉर्डर है
एंड एंटीरियर बॉर्डर पर ये कार्डियक नॉच है, दैट इज कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच के जस्ट बिलो द कार्डियक नॉच आपको एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज लिंगुला, जिसे हम लिंगुला बोलते हैं। अब ये लिंगुला का क्या काम है? तो जैसे जो राइट लंग होता है, राइट लंग में अभी हम जब फिशर्स और लोब पढ़ेंगे तो जो राइट लंग होगा उसमें दो फिशर्स हैं जो कि उसको तीन लोब्स में डिवाइड करेंगे, लेकिन जो लेफ्ट लंग है वहाँ पर सिर्फ एक ही फिशर है जो कि लेफ्ट लंग को टू लोब्स में डिवाइड करता है। तो जो लेफ्ट लंग है वहाँ पर सिर्फ दो लोब हैं जो कि एक फिशर के कारण दो लोब में डिवाइड हो रहा है, लेकिन जो आपका राइट लंग है वो दो फिशर के कारण तीन लोब में डिवाइड होता है। तो जो लेफ्ट लंग होता है उसमें जो लिंगुला है, लिंगुला वर्क या एक्ट एज अ मिडिल लोब। जैसे यहाँ पर तीन लोब हैं राइट में, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। तो जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग में सिर्फ दो ही लोब हैं, अपर लोब एंड लोअर लोब। तो जो लिंगुला है वो एक्स्ट्रा लोब यानी कि मिडिल लोब की तरह काम करता है लेफ्ट लंग में। देन हम देखते हैं फिशर ऑफ द लंग एंड लोब्स ऑफ द लंग। तो जैसा कि मैंने अभी प्रीवियसली आप लोगों को बताया कि जो राइट लंग है उसमें दो फिशर होंगे, और फिशर मीन्स खांच, है ना, कोई भी खांच लाइक, मतलब किसी भी एक स्ट्रक्चर को यदि हम बीच से काट दें, एक खांच लाइक स्ट्रक्चर, काटना नहीं मतलब कि वो जुड़ा हुआ है लेकिन बीच में एक खांच है। तो फिशर कितने हैं इसमें? दो फिशर हैं, एक ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब कि तिरछा फिशर है, और एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में फिशर है। तो ये जो फिशर है राइट लंग को तीन लोब में डिवाइड कर देते हैं, और जो लेफ्ट लंग है उसमें जो ऑब्लिक फिशर है उसको दो लोब में डिवाइड करता है। लेकिन वहाँ पर जो लिंगुला होता है वो क्या काम करता है? वहाँ पर मिडिल लोब की तरह एक्ट करता है। जैसा कि यदि हम इस इमेज में देख पा रहे हैं, और जो लोब है वो कैसे डिवाइड होंगे? तो जैसा कि हमने इस इमेज में देखा, ये आपका हॉरिजॉन्टल फिशर है एंड उसके नीचे ऑब्लिक फिशर है, और लेफ्ट लंग में इसी तरीके से ये जो फिशर है ये ऑब्लिक फिशर है। तो इस तरीके से जो लंग्स हैं उसमें तीन पार्ट हो गए राइट वाले में, 1, 2 एंड 3, और जो राइट वाला है आपका उसमें लेफ्ट वाला जो है 1 एंड 2। इस तरीके से हमने दो पार्ट देखे कि लोब्स में डिवाइड हुआ ये। देन यदि हम इसके इन लोब्स में भी यदि हम सेगमेंट्स की बात करें, जो लोब्स हैं वो भी फर्दर डिवाइड होकर सेगमेंट्स में डिवाइड होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? जैसे कि हम इस इमेज में और क्लियरली देखते हैं कि ये जो है हॉरिजॉन्टल फिशर है राइट का, ये ऑब्लिक फिशर है, एंड जो लेफ्ट लंग है उसमें ये ऑब्लिक फिशर है। तो इस तरीके से ये 1, 2 एंड 3 लोब में डिवाइड होता है, और ये 1 एंड 2 लोब में डिवाइड हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने बताया कि यहाँ पर एक लिंगुला, एक प्रोजेक्शन होता है जो कि यहाँ पर मिडिल लोब की तरह एक्ट करता है। वहाँ पर मिडिल लोब एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन वो मिडिल लोब की तरह एक्ट करता है। तो अब ये सेगमेंट्स में कैसे डिवाइड होंगे? अब इस इमेज में आप लोग देखिए, जैसे कि हमने अभी लोब्स में डिवाइड किया लंग्स को, ये जो लंग्स है ये हमारा हॉरिजॉन्टल फिशर, ये ऑब्लिक फिशर एंड देन ये ऑब्लिक फिशर। तो इस तरीके से ये लोब्स में डिवाइड हो गए। अब इन लोब्स में भी फर्स्ट लोब,
सेकेंड लोब एंड थर्ड लोब। इस तरीके से लेफ्ट में फर्स्ट लोब एंड सेकेंड लोब, इसमें भी क्या होंगे सेगमेंट्स होंगे। उस पर्टिकुलर लोब का भी उन्होंने पार्टीशन कर दिया, ठीक। लंग्स में उस पर्टिकुलर लोब में भी पार्टीशंस हैं जिनको हम सेगमेंट्स बोलते हैं। तो उन सेगमेंट्स में फर्स्ट है एपिकल या सुपीरियर भी बोलते हैं इसे, पोस्टीरियर सेगमेंट या एंटीरियर सेगमेंट। इसी तरीके से जो मिडिल लोब है उसमें मीडियल एंड लेटरल सेगमेंट होगा, और जो इंफीरियर लोब है या लोअर लोब जो है उसमें सुपीरियर सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट, इस तरीके से सेगमेंट्स हैं। देन यदि हम लेफ्ट लंग में आ जाएं तो लेफ्ट लंग में अपर लोब जो है वो डिवाइडेड है, जैसे एपिकल सेगमेंट, पोस्टीरियर सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट एंड सुपीरियर सेगमेंट। देन जो आपका इन्फीरियर सेगमेंट है या जो लोअर सेगमेंट है, सॉरी लोअर लोब जो है, उसमें क्या है सुपीरियर, लेटरल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, इस तरीके से उसमें भी आपके सेगमेंट्स डिवाइडेड हैं। तो ये सेगमेंट्स किस लिए डिवाइड किए गए? तो ये सेगमेंट्स जो है, जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया बाइफर्केट होके ब्रोंकस में डिवाइड होता है, प्राइमरी ब्रोंकस में, और वो जो ब्रोंकस हैं वो ईच जो आपके लंग्स हैं उनके अंदर एंटर होते हैं विद द हेल्प ऑफ द हाइलम या रूट ऑफ द लंग्स के माध्यम से वो क्या होंगे लंग्स के अंदर एंटर करेंगे, और फर्दर फिर वो अपनी ब्रांचिंग देते हैं, और उनका जो ब्रांचिंग है वो सेगमेंट्स तक, लोबार से होता हुआ वो सेगमेंट्स तक जाते हैं। यानी कि वो जो जो ट्रेकिया है जो डिवाइड हुआ ब्रोंकस में, वो क्या काम करेगा, ब्रोंकस फर्दर डिवाइड होते 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 आपके लंग्स के हर एक पार्ट में पहुंच जाएंगे, जहां पर वो सेगमेंट्स में जाकर फिर से डिवाइड होंगे, है ना। तो अभी हम देखेंगे कि वो किस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जो है ट्रैकिया है, ट्रैकिया जो है वो, ये जो ट्रैकिया है ये डिवाइड हुआ टू पार्ट्स में, प्राइमरी ब्रोंकस बोला इसको हमने, एक राइट लंग के लिए गया प्राइमरी ब्रोंकस, एक लेफ्ट लंग के लिए प्राइमरी ब्रोंकस किया। फिर ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है ये लोबार में कन्वर्ट हुआ, राइट लंग के लिए 3 लोब्स में कन्वर्ट हो जाएगा और लेफ्ट के लिए 2 लोब्स में कन्वर्ट हो जाएगा। देन हमने जो लोब्स के सेगमेंट्स देखे कि अपर लोब में सेगमेंट्स हैं, मिडिल लोब में सेगमेंट्स हैं एंड इंफीरियर लोब में सेगमेंट्स हैं, तो अब ये सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया इस तरीके से। तो डेट इज कॉल्ड ब्रोंकियल ट्री। अब जो ब्रोंकियल ट्री है, जैसा कि हम इस इमेज में देखेंगे कि जो ब्रोंकियल ट्री है जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया डिवाइड हुआ, प्राइमरी ब्रोंकस बना, प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होके लोबार में कन्वर्ट हुआ, लोबार सेगमेंट में, सेगमेंट टर्मिनल ब्रोंकस में, टर्मिनल ब्रोंकस जो है वो देन फिर से जो है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी प्रिंसिपल ब्रोंकस के बाद जब वो लोबार में गया डेट इज सेकेंडरी, लोबार से जब वो सेगमेंट्स में गया डेट इज टर्शरी के बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल, वहाँ पर आकर वो टर्मिनेट हो जाएगा, ख़त्म होगा, देन वो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल देगा। अब एक्चुअल में रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर शुरू होगा। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में जब वो कन्वर्ट होगा तो वहाँ पर भी वो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देगा, पहले एल्वियोलर डक्ट,
देन एट्रियम, देन उसके बाद एल्वियुलर सैक, ये पूरा जो एक आपको सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज एल्वियुलर सैक। एंड इस एल्वियुलर सैक के अंदर अंदर जो छोटी छोटी राउंडेड शेप में, सर्कुलर शेप में एक स्ट्रक्चर, एक यूनिट होगी जिसे हम एल्वियुलाई बोलेंगे, दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ द रेस्पिरेशन, और इसे हम क्या बोलते हैं, एल्वियुलाई बोलते हैं। यहीं पर गैसियस एक्सचेंज होता है, इसी पार्ट पर जो रेस्पिरेशन है, जो आपकी जो एयर है O2 CO2 जो है वो यहीं पर आकर ब्लड से मैं ब्लड से जो CO2 है उसको एल्वियुलाई की जो सरफेस है वो लेती है, देन उसको वापस एक्सहेल कर दिया जाता है। तो ये पूरा एक ब्रोंकियल ट्री बनता है। देन हम राइट लंग एंड लेफ्ट लंग में जो ब्रोंकस एंटर होंगे है ना, दोनों में वेरिएशन है, जो दोनों लंग्स में जाने वाले जो ब्रोंकस हैं उनका जो स्ट्रक्चर है वो सिमिलर नहीं होता। जैसे कि राइट लंग में जो ब्रोंकस एंटर होगा वो शॉर्टर होता है, वाइडर होता है और मोर वर्टिकल होता है, यानी कि वो सीधा वर्टिकली जाएगा जब एंटर होगा तो, और 2.5 सेंटीमीटर लंबा होगा। लेकिन जो लेफ्ट लंग है, लेफ्ट लंग में जो प्रिंसिपल ब्रोंकस जाएगा वो लॉन्गर होगा, नैरोअर होगा एंड मोर हॉरिजॉन्टल होगा, यानी कि वो तिरछा जाएगा, ठीक है, सीधा जाएगा, मतलब वर्टिकली नहीं जाएगा हॉरिजॉन्टली जाएगा वो, और 5 सेंटीमीटर लंबा होगा ये। देन यदि हम इसको इस इमेज से समझना चाहें तो आप इस इमेज से इसको समझ सकते हैं कि जो ये ट्रैकिया है ये कन्वर्ट हुआ राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में। तो जो लेफ्ट राइट लंग में जाने वाला जो ब्रोंकस है वो सीधा जा रहा है और वर्टिकली जा रहा है, लेकिन जो लेफ्ट लंग में जाने वाला ब्रोंकस है वो मोर हॉरिजॉन्टली जाएगा, ठीक है। इसी कारण वाइडर है ये, राइट वाला वाइडर है, ये नैरोअर है लेफ्ट वाला, इसी कारण से जो राइट लंग में जाने वाला जो ब्रोंकस है, क्योंकि वो सीधा जा रहा है, वाइडर होता है, शॉर्ट होता है, तो जो इन्फेक्शन है सबसे ज़्यादा उसके लिए जो प्रोन होते हैं वो हमारे राइट लंग्स होते हैं, क्योंकि जो ब्रोंकस है वो सीधा जा रहा है, छोटा है, तुरंत जो भी हम फॉरेन बॉडी हमारी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में एंटर करेगी वो तुरंत कहाँ चले जाएगी, राइट लंग में चले जाएगी, लेकिन लेफ्ट लंग में जाने में उसे टाइम लगेगा, क्योंकि जो लेफ्ट लंग है वो कैसा है, नैरोअर है, कॉन्स्ट्रिक्टेड होता है, लंबा होता है और हॉरिजॉन्टली जा रहा है वो, डायरेक्ट कोई भी इन्फेक्शन डायरेक्ट या कोई भी अनवांटेड या फॉरेन पार्टिकल्स डायरेक्ट हमारे लेफ्ट लंग में नहीं जा सकता जब तक कि वो इन्फेक्शन सीवियर ना हो। अब यदि हम रिलेशन की बात करें प्रिंसिपल ब्रोंकाई के, तो ब्रोंकाई या ट्रैकिया के पीछे पोस्टीरियरली इसोफेगस रहता है, ठीक है, ये डेट इज इसोफेगस एंड ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया हमारा एंटीरियरली होता है थ्रॉट में और चेस्ट वॉल में, और जो इसोफेगस है वो पोस्टीरियरली लाई करता है। देन लेफ्ट साइड में थोरेसिक डक्ट रहेगी, आपका आर्क ऑफ एओर्टा रहेगा, एओर्टा खुद भी रहेगी, डिसेंडिंग एओर्टा रहेगी, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व रहेगी एंड लेफ्ट पेगस नर्व रहेगी, यानी कि लेफ्ट साइड में ज़्यादा स्ट्रक्चर्स हैं और राइट साइड में आपकी अजाइगस वेन ये इसके साथ रिलेशन बनाएगी। इसके बाद यदि हम रूट ऑफ लंग्स की बात करें तो रूट ऑफ लंग्स से क्या मतलब है, रूट ऑफ लंग और हाइलम ऑफ द लंग, रूट ऑफ लंग और हाइलम मीन्स दैट इज अ ओपनिंग जहाँ से कोई भी स्ट्रक्चर या तो एंटर करेगा या वहाँ से बाहर आएगा, है ना, या तो लंग्स में कोई स्ट्रक्चर एंटर कर रहा होगा या लंग्स से कोई स्ट्रक्चर बाहर आ रहा होगा, तो डेट इज रूट ऑफ द लंग या फिर हाइलम ऑफ द लंग। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है डेट इज
रूट ऑफ द लंग, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, मीडियल सरफेस पर, लंग्स की मीडियल सरफेस पर ये प्रेजेंट होता है, जैसा कि हमने इस स्ट्रक्चर में देखा था, डेट इज रूट ऑफ द लंग। रूट ऑफ द लंग जहाँ से लंग्स में बहुत सारी वेसल्स एंटर कर रही हैं और वहाँ से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स या वेसल्स बाहर आ रहे होंगे, है ना, मतलब इंटर भी कर रहे होंगे और पास आउट भी हो रहे होंगे। तो यदि हम इसमें रूट ऑफ लंग्स में उसके कंटेंट की बात करें कि रूट ऑफ लंग्स में क्या क्या कंटेंट होंगे, यानी कि लंग्स के अंदर जाने वाले और लंग्स से बाहर आने वाले कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, तो उसमें पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी वेन होगी, ब्रोंकियल तो होगा ही, देन ब्रोंकियल आर्टरीज होंगी, उसके बाद ब्रोंकस, जो कि ये पार्शियल ब्रोंकस एंड हाइपार्शियल ब्रोंकस जो हैं ये राइट लंग में पाए जाते हैं, यानी कि ये पार्टियल जो ब्रोंकस हैं, हाइपार्टियल जो ब्रोंकस हैं, इट इज़ फाउंड इन द राइट लंग, एंड सिंपल ब्रोंकस किस में पाया जाएगा, तो वो लेफ्ट लंग में पाया जाएगा। बाकी पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन ये दोनों में सेम रहेंगी, तो जो दो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन चार होती है हमको पता है, राइट पल्मोनरी वेन एंड लेफ्ट पल्मोनरी वेन, तो दो होती हैं ये, सुपीरियर एंड इन्फीरियर, तो इस तरीके से चार पल्मोनरी वेन्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, पल्मोनरी वेन एक्सेप्शन है ये, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स से हार्ट में पहुंचाने का काम करती हैं, और जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं वो हार्ट से इम्प्योर ब्लड को प्योर होने के लिए लंग्स में पहुंचाते हैं, ठीक है, जिससे कि हार्ट का जो इम्प्योर ब्लड है, जो पूरी बॉडी से आया हुआ है इम्प्योर ब्लड, वो हार्ट में कलेक्ट होकर फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में पहुंचाया जाता है, जहां पर उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसको जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया जाता है, देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू होता हुआ फिर से हार्ट में आता है, और हार्ट के थ्रू वो पूरी बॉडी में पंप कराया जाता है। तो ये जो पल्मोनरी वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन होती हैं, जिसमें पल्मोनरी आर्टरी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, ये सिर्फ एक्सेप्शनल है। तो हमने आज की क्लास में लंग्स को देखा, देन लास्ट में हमने रूट ऑफ द लंग्स देखा। तो लंग्स इस तरीके से, लंग्स के स्ट्रक्चर्स, लंग्स की फंक्शनल यूनिट क्या है और लंग्स किस तरीके से काम करते हैं वो हमने देखा।